इंडियन कुकिंग रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सूजी का हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, जिसको कि रवा भी कहा जाता है, एक कटोरी देसी घी, एक कटोरी शक्कर। शक्कर आप आपके टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा कटोरी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा केला यानी बनाना, और ये इलायची पाउडर ली है मैंने एक चम्मच, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, दूध लिया है एक कप, और जितना दूध लिया है उतना ही मैंने पानी लिया है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे। और इसमें जो ये मैंने घी लिया है उसको मेल्ट होने के लिए, गर्म होने के लिए रख देंगे। और हमारा घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये जो सूजी है, रवा है, वो उसको ऐड करेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये सूजी ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे, और इसको सुनहरा होने तक हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। जब तक ये सूजी फूल के दो गुनी ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, और जब तक हमारी ये सूजी लो फ्लेम पे भून रही है तब तक हम ये एक पैन लिया है मैंने, एक गैस को ऑन कर देंगे, और उसमें ये जो मैंने दूध लिया था उसको और ये पानी को एक साथ उबाल लेंगे, और उबालने के बाद इसको ये सूजी में हम बाद में ऐड करेंगे। तब तक अभी हम हमारी सूजी देख लेते हैं। अब हमारी ये सूजी है ये फूल के तैयार हो गई है। एक जरा हमारा वो पानी और दूध जो था वो भी उबल चुका है, गैस हम बंद कर देते हैं। ये जो सूजी फूल गई है अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको मैंने 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा पिंकिश हो गया है, सुनहरा हो गया है। अब मैंने इसमें इलायची डाल दी है। अब मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो भी एक साथ डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा इसे चलाऊंगी। अब मैंने जो ये केला लिया था आधा केला, वो इसमें सूजी में ऐड कर दूंगी। इसको इस तरह से कट कर लूंगी। सूजी में केला ऐड करने से जो सूजी की जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आती है। ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है, आप इसको जरूर बनाना और ट्राई करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये मेरी फेवरेट रेसिपी में से एक रेसिपी है। ये भी हमारा जो केला है, ये पका हुआ ही केला लेना है, इसमें कच्चा केला नहीं लेना है। केला इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया अभी। अब हमने जो ये दूध और पानी लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। दूध और पानी ऐड करते टाइम ये ध्यान देना है कि इसको बहुत थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, एकदम से नहीं डालना है। नहीं तो जो हमारी सूजी वो पतली हो जाएगी। और थोड़ा पानी डालेंगे,
अब हम इसमें, अभी तक शक्कर नहीं मिलाई है इसलिए हम इसमें ये मैंने जो एक कटोरी शक्कर ली थी वो मिलाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि शक्कर मेल्ट ना हो जाए। इसको हम ढक्कन रख के 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम चेक करते हैं हमारी सूजी बनी है कि नहीं। सूजी का हलवा हमारा भी बन के रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हलवा बनके हमारा रेडी है, सूजी का हलवा। अब हम इसको, ये जो केसर था मैंने लिया हुआ, इससे हम गार्निश करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।